आप तमाम नाजरीन का HKA न्यूज़ में खैर मकदम है। कत्ल या कुदरती मौत, जी हां नाजरीन, टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक नामालूम खातून की नाश मस्क शुदा हालत में दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक ज़राए से मिली इतला के मुताबिक ये नाश तकरीबन 8-10 दिन से पड़ी हुई बिल्कुल मस्क शुदा हालत में दस्तियाब हुई। ये नाश कारवान में वाक़े ओल्ड सेंधी कंपाउंड जो कि बंद है वहाँ से मिली है। मुकामी लोगों ने कंपाउंड से आने वाली बदबू के तहत पुलिस को इसकी इतला दी। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर देखा तो किसी नामालूम खातून की नाश बताई गई है जिसकी उम्र 35-40 साल हो सकती है। पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि ये कुदरती मौत है या कत्ल भी हो सकता है। SHO टप्पा चबूतरा ने मज़ीद तफसीलात बताई। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मस्जिद की ज़मीन है कमेटी का, और जो है यहाँ का जो किरायेदार है अरविंद गौर साहब बोल के है, उन्हें किरायेदार है कंपाउंड के, यहाँ पर कंपाउंड चलाते थे और मस्जिद की कमेटी का उनका केस चल रहा है यहाँ पे ज़मीन के ऊपर। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ पर गुड़खाना बन गया पूरा, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कौन अंदर जा रहा, क्या कर रहा, क्या है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर कचरे की कुंडी हो गई पूरी है। और आज यहाँ अब 4-5 दिन पहले यहाँ पे लेके आके एक औरत को कौन है मालूम नहीं, उसको मार के डाल दिए अंदर। ये हाल है कि अंदर कौन जा रहा, क्या कर रहा, क्या है नहीं मालूम है। मैं तमाम यहाँ की मस्जिद की कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि ये ज़मीन अपने कब्जे में लियो, लेके जो है क्या है क्या नहीं, जो किरायेदार है जो केस डाल के बैठा हुआ है नाजायज कब्जे में बैठा हुआ है यहाँ पे, ये वगबट की ज़मीन है। वगबट से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे यहाँ पर आगे सर्वे करें। ये ज़मीन जो है मस्जिद के तहत ज़मीन है और इसको लावरसा कर दिए पूरा। यहाँ से हर किसी का आना जाना, लेडीज़ का आना जाना मुश्किल है। पूरा कचरा कुंडी में पूरा इसको वो कर दिए पूरा। आपको कैसा मालूम है अंदर बॉडी? अभी यहाँ पे बच्चे पूरे थे घर पे, पूरे आगे बोले वहाँ पे ऐसा मर्डर हो गया, ऐसा ये हो गया, एक औरत को लाके मार दिए डाल दिए बोल के मालूम है, बोल के मालूम है, बच्चे बोल रहे। तो मैं भी निकल के आया देखने के लिए।